नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणोदय समाचार। आगरा में यातायात माह का शुभारंभ। एडीजी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। एक माह तक चलेंगे कार्यक्रम। वाहन चालकों को किया जाएगा जागरूक। कार्यक्रम में स्कूली छात्र भी हुए शामिल। पुलिस लाइन से निकाली गई वाहन रैली। रैली में पुलिस कर्मी हुए शामिल। ट्रैफिक पुलिस और महिला पुलिस भी रैली में शामिल रही। दो पहिया और चार पहिया वाहनों की रैली निकाली गई। एडीजी ने सभी से की यातायात नियमों का पालन करने की अपील। आगरा से मयूर खान की रिपोर्ट। में यातायात जाम व दुर्घटना का कारण बनने वाली ठेल ढकेल एवं अस्थायी दुकानों को थाना स्तर पर अभियान चलाकर मुख्य मार्गों एवं चौराहों से दूर कराया गया है। इसका आम जन को काफी लाभ मिल रहा है। हमने यातायात को प्रभावित करने वाले टेलीफोन व बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, टेलीफोन के निष्प्रयोज बॉक्स एवं अन्य अस्थायी अवरोध को विभिन्न राजकीय विभागों के समन्वय से हटवाया है, जिसका यातायात पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। विगत वर्ष हमने सड़क दुर्घटनाओं से गंभीर शारीरिक क्षति को कम से कम रखने के उद्देश्य से दो पहिया वाहन चालकों एवं सवारियों को हेलमेट पहनने के प्रति प्रेरित किया है। आमजन से यातायात कर्मियों के व्यवहार के संबंध में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है व ब्रीफिंग की जा रही है, लेकिन चुनौतियां अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अभी भी सड़क जाम व दुर्घटनाएं हो रही है, जिसके संबंध में मैं आप सभी से वार्ता करना चाहूंगा। एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2008 से ये प्रतिवर्ष चलने वाला एक माह का कार्यक्रम है। यातायात और एक्सीडेंट्स में होने वाली आकस्मिक अकस्मात मृत्यु या घायल को रोकने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए उन पर कंट्रोल करना शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। यातायात माह के माध्यम से, इसमें आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और आपके माध्यम से हम नागरिकों से और रोड यूजर्स से यही अपील करते हैं कि रोड के सुरक्षा के नियम उनकी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और उनकी अपनी, उनके परिवार की, उनके परिजनों की सुरक्षा किसी में निहित है कि वो रोड के नियमों का पालन करें। इसी विचार को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न प्रकार से इस पूरे माह के दौरान शिक्षा, एनफोर्समेंट और बाकी अन्य प्रकारों से इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इसका आज शुभारंभ हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि जो उद्देश्य इस कार्यक्रम के हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम में सफल होगा और जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने नागरिकों को और एक बेहतर और एक सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएं और इसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन रहे, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। जी, स्कूलों में नागरिकों के बीच, सड़कों पर,
लघु नाटिका, नुक्कड़ नाटिका, सेमिनार इत्यादि के माध्यम से जागरूकता के कार्यक्रम किए गए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।